हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस इधर आप लोग देख सकते हैं, हम लोग इधर टीवी देख रहे हैं, सॉरी टीवी हम लोगों को देख रहा है। तो गाइस अभी तकरीबन सुबह के 8:30 बज चुके हैं, अभी हम लोग जाएंगे घूमने के लिए। तो गाइस हमारे साथ बने रहिए, हम लोग घूमते जाएंगे यहाँ पर नदी में। तो गाइस चलिए फटाफट से हम लोग रेडी होके चलते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। तो गाइस आज की इस वीडियो में भी बहुत ही ज्यादा मजा होने वाला है, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिए। तो गाइस अभी हमारा खाने की बारी है और खाने के बाद ही हम लोग निकल जाएंगे घूमने के लिए। तो गाइस इधर देख सकते हैं, हम लोग हमारा पास्ता से के साथ रेडी हो चुके हैं। तो गाइस चलिए फटाफट से हम लोग हमारा ब्रेकफास्ट करके तैयार होके, तैयार तो मैं हो चुका हूँ, तो चलिए फटाफट से हम लोग निकल जाते हैं। तो गाइस अभी हम लोग बाहर निकल चुके हैं, ये हमारा मेन गेट है, इधर से निकल के हम लोग बाहर जाएंगे। तो चलिए हम लोग हल्दी नदी में पहुँच चुके हैं, सामने है हल्दी नदी। तो गाइस हम लोग को इधर एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस मिला। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं दूर में एक मछली पकड़ने वाली नाव है जो कि मछली पकड़ के आ रही है, आप लोग देख सकते हैं। जुम करो, जुम करो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो गाइस अभी हम लोग घर से निकल के आ चुके हैं। तो गाइस हम लोग इधर नदी है, तो गाइस नदी से हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं, यानी कि हम लोग उधर में ब्लॉग नहीं बना पाए, बहुत लोग था तो इसलिए हम लोग इधर आ चुके हैं। तो गाइस इधर हम लोग को एक पार्क मिला। तो गाइस चलिए हम लोग इस पार्क में जाएंगे। तो गाइस देखते हैं पार्क कैसा है। तो गाइस चलिए फटाफट से हम लोग इस पार्क में जाते हैं, उसके बाद हम लोग अब नदी में मज़ा करेंगे, नहीं नहाएंगे लेकिन नदी में मज़ा करेंगे। तो गाइस चलिए फटाफट से चलिए चलते हैं हम लोग इस पार्क में। तो अगले ब्लॉग में मैं एक पार्क में जाया था, तो उस ब्लॉग को आप लोग नहीं देखा तो देख लेना, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो गाइस चलिए अभी हम लोग इस, तो गाइस कैसा है आप लोग को दिखाता हूँ, इसको इस तरीके से है। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा टाइट है इसलिए हम लोग खोल नहीं पा रहे हैं। गाइस इधर में सब पार्क में ये सिस्टम होता है, हम लोग देख सकते हैं ये सिस्टम सब पार्क में होता है। अच्छा हमको सिखा दिया है। तो देख सकते हैं पार्क अगले पार्क से ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन ये पार्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस पार्क के साइड आप लोग देख सकते हैं नदी है, इसलिए पार्क में बहुत ही ज़्यादा हवा, जो कि हम लोग को लगता है बहुत ही ज़्यादा हवा है, इसलिए हम लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस ठंड के दिन में भी ये हवा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस साइड में देख सकते हैं रिवर है। तो गाइस इधर हम लोग को पार्क में इधर दिखा बहुत ही सुंदर फूल का पेड़, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और इधर हम लोग को दिखा एक जिराफ, और इस साइड में आप देख सकते हैं नदी का व्यू, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन व्यू है ये। तो गाइस मैं इस व्यू का थोड़ा सा क्लिप आप लोग को दिखा देता हूँ, आप लोग मज़ा उठाइए। तो गाइस इधर हम लोग को मिला छोटा भीम का कुछ कैरेक्टर, हम लोग इधर देख सकते हैं इधर है चुटकी, इधर है भीम, इधर कृष्णा और इधर कालिया। तो गाइस आप लोग इसको जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो जानते हैं तो आप लोग को कमेंट में बताना आप लोग हम लोग को। तो गाइस इधर देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है इसको। तो गाइस अभी हम लोग बहुत टाइम पार्क में मज़ा कर लिया है, तो गाइस अभी निकलने की बारी है। तो गाइस आप लोग इस ब्लॉग को मज़ा लीजिए, और भी मज़ा होने वाला है इस ब्लॉग में। तो गाइस अभी बारी है इस पार्क को, पार्क से हम लोग को निकलने का। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से जाके नहा धो के रेडी होके खा के हम लोग जाएंगे नंदीग्राम, वो भी भैसल में। तो गाइस हमारे साथ बना रहिए। तो गाइस अभी हम लोग जाएंगे घर, और उसके बाद थोड़ा नदी में घूमेंगे, उसके बाद घर जाके आके हम लोग जाएंगे नंदीग्राम, हमारे साथ बना रहिए, और भी ज़्यादा मज़े होने वाला है। गाइस इस साइड में नदी है, आप लोग देख सकते हैं, तो देख सकते हैं बहुत ही बड़ा। और उस साइड में आप लोग देख सकते हैं इधर नंदीग्राम है, उस साइड में हम लोग दोपहर में
यानी कि शाम को उधर जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़े होने वाला है। तो इधर लाइट फाइट है, बहुत ही ज़्यादा मज़े होने वाले हैं, हमारे साथ बना रहिए गाइस। और यह देख सकते हैं शहरों, पूरे शहरों का पानी इधर से आ रहा है। तो गाइस अभी हम लोग नदी के साइड बैठे हैं और देख सकते हैं लोग इधर हम लोग बैठे हैं, तो कितना अच्छा व्यू हम लोग को मिला है। बहुत ही ज़्यादा ठंड हवा चल रही है इसलिए बहुत ही ज़्यादा हम लोग को मज़ा आ रहे हैं। तो गाइस आप लोग को इस साइड दिखा देता हूँ आप लोगों को। गाइस देख सकते हैं इधर एक बोर्ड हम लोग को दिखा हमारे सामने बिल्कुल। तो गाइस देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू हम लोग को इधर मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार व्यू इधर। तो हम लोग इधर थोड़ी देर बैठेंगे, बाद हम लोग इधर से भी चले जाएंगे, थोड़ी देर बैठ के हम लोग इधर से निकल जाएंगे। हम लोग को इधर एक अंकल मिला जो नदी से मछली पकड़ रहे थे। हम लोग बहुत देर इंतज़ार किया मछली के लिए लेकिन कोई भी मछली नहीं पकड़ पाए, तो हम लोग अभी इधर से निकल जाएंगे। तो गाइस चलिए हम लोग इधर से अभी निकलते हैं। अभी हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, ठंड में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं रूम पे जा रहे हैं। तो गाइस हम लोग थोड़ा घूम के आ चुके हैं, तो अभी हम लोग खा के नहा के रेडी होके फिर से जाएंगे। तो गाइस चलिए हम लोग हमारा रूम पे जाते हैं। तो गाइस चलिए हम लोग रूम पे आ चुके हैं, चलिए। तो गाइस नहा धो के रेडी हो चुके हैं, अभी बारी है खाने की। तो गाइस चलिए फटाफट से हम लोग खा लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर मेनू में क्या है आप लोग देख सकते हैं, राइस, क्रेफिश, अचार, सब्जी और तुपसी माछ का फ्राई। तो गाइस चलिए फटाफट से हम लोग खा लेते हैं। तो इधर लिखा था सेव द रेनो जो कि देख के हम लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं नदी की ओर। आज आपको एक बहुत ही अच्छा चीज़ दिखाऊंगा, वो है डॉल्फिन। मैं भी एक्साइटेड हूँ, तो चलिए हम लोग आप लोग को डॉल्फिन दिखाते हैं। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं नंदीग्राम की ओर। इधर एक बोट का रिपेयरिंग चल रहा है, तो अभी हम लोग जाएंगे नंदीग्राम में, जिसके लिए हम लोग टिकट खरीद के भैसल की ओर जा रहे हैं। हम लोग भैसल में सवारी करके जाएंगे उस पार, यानी कि नंदीग्राम में। तो गाइस चलिए फटाफट से हम लोग जाते हैं और भैसल में सवार करते हैं और मज़ा करते हैं। आप लोग ही हमारे साथ बने रहिए। हम लोग अभी भैसल में बैठ चुके हैं। बहुत सारा लोग हमारे साथ भैसल में सवारी कर रहे हैं। तो इधर भैसल बड़ा चेन के साथ बंधा रहता है, तो हमारा भैसल भी बंधा हुआ है। तो गाइस अभी हमारा भैसल स्टार्ट हो चुका है नंदीग्राम के लिए। तो गाइस इस बात में आप लोग एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तो गाइस अभी हम लोग नंदीग्राम फेरी गार्ड में पहुंच चुके हैं जहां हमारा वैसल रुकेगा। तो गाइस अभी हम लोग नंदीग्राम में पहुंच चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा शोर था इसलिए हम लोग बाद में साउंड ऐड किए। तो गाइस आप लोग दूर से इधर देख सकते हैं नंदीग्राम का फेरी घाट, जो कि है केदेमारी फेरी घाट, जो कि बंगाली में लिखा है। तो गाइस अभी हम लोग इसके साइड से निकलेंगे डॉल्फिन देखने के लिए। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं साइड में बहुत सारा नाव जो कि बंधा हुआ है। ये सब नाव सुबह सुबह निकल जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। बहुत सारा नाव इधर बंधा हुआ है नदी के साइड में, बहुत सारा नाव। तो गाइस अभी हम लोग जाएंगे इसके नीचे में उतरेंगे और हम लोग अभी डॉल्फिन देखेंगे। तो गाइस इधर बहुत ज़्यादा डॉल्फिन दिखा जाता है। इधर आप देख सकते हैं बोर्ड आ रहा है मछली पकड़ के। तो गाइस बहुत समय वेट करने के बाद हम लोग को इधर डॉल्फिन दिखा। तो गाइस देख सकते हैं हम लोग कितना बड़ा डॉल्फिन है, मैं आप लोग को स्लो मोशन में दिखा देता हूँ। गाइस बहुत ही ज़्यादा बड़ा और सुंदर है ये डॉल्फिन। तो गाइस और भी समय वेट करने के बाद हम लोग को और एक डॉल्फिन दिखा जो कि बड़ा सुंदर था। तो गाइस इस फुटेज को लेने के लिए हम लोग को बहुत ही ज़्यादा समय वेट करना पड़ा। तो इस बात में हम लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो गाइस जाते बाद हम लोग को हमारा वैसल का जो कि है इंजन दिखा, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और शोर कर रहा था। तो गाइस घर जाते समय हम लोग इधर स्वीट कॉर्न ट्राई किया, जो कि नदी के साइड में सेल कर रहा था। तो ये हल्दिया का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो गाइस आप लोग एक बार हल्दिया आना तो इसको ट्राई करना, कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो गाइस देख सकते हैं भैया कितना अच्छी तरीके से इसको बनाया है। तो गाइस हम लोग इसको खा के नदी के से निकल जाएंगे घर के लिए। तो गाइस चलिए। तो गाइस घर जाते समय हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़ दिखा जो कि मैं वीडियो में कैप्चर कर लिया है।
तो गाइस अभी हम लोग हमारा इस ब्लॉग को एंड करने वाले हैं। तो गाइस आज की इस ब्लॉग को आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस हम लोग को सपोर्ट करती रहिए, ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग हमारे चैनल में आते ही रहेंगे। तो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।